बाबा मुरली में कहते हैं कि मैं आप बच्चों को राजयोग सिखाने आया हूँ, प्रजा योग नहीं, राजयोग सिखाने आया हूँ। और राजयोग सीखने से आप राजाओं के राजा बनेंगे। बहुत बार ये भी बाबा कहते हैं कि आपकी राजधानी की स्थापना कोई बाहुबल से, कोई जो बाहरी युद्ध होते हैं उसके आधार पर नहीं होती है, लेकिन आपके राजधानी की स्थापना योग बल के आधार पर होती है। कुछ समय पहले बाबा ने ये बात कही थी कि आप योगी बने हैं, आप योगी बने हैं अपनी स्वर्ग की राजाई को प्राप्त करने के लिए। तो एक छोटा सा प्रश्न उठता है, प्रश्न ये है कि योग तो हमारा सब्जेक्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम, मैं पर्सनल अपने से ये प्रश्न पूछूं, हर एक पूछे कि हम योग अभ्यास कर रहे हैं या हम योगी बने हैं? फर्क है दोनों में? हम योग अभ्यास कर रहे हैं या हमारा जीवन योगी जीवन है? है दोनों में फर्क? कुछ लगता है फर्क? लगता है ना कि एक होता है कि हम योग अभ्यास करते हैं, चाहे 8 घंटा भी करते होंगे शायद, कोई 4 घंटे, कोई थोड़ा और कम, थोड़ा और ज़्यादा, लेकिन बाबा कहते हैं कि आप योगी बने हैं, माना योगी जीवन बना है, योगी जीवन। तो योगी जीवन और सिर्फ योग अभ्यास करने में बहुत फ़र्क है। अगर हमारा योगी जीवन है तो हम स्वर्ग के बहुत नज़दीक हैं, स्वर्ग के बहुत नज़दीक हैं। और अगर बाबा कहते हैं कि अगर आप नज़दीक हैं स्वर्ग के, तो स्वर्ग के दृश्य आपको बहुत क्लियर दिखाई देंगे। जैसे हम अपने घर के नज़दीक पहुंचते हैं तो कुछ साइंस उसके दिखाई देने लग पड़ते हैं कि अभी बस हमारा घर आया कि आया। तो अगर हम स्वर्ग के नज़दीक पहुंच गए हैं या पहुंच रहे हैं तो हमें स्वर्ग के दृश्य बहुत क्लियर दिखाई देंगे। और अगर वो बहुत क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, अनुभव नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि हम योग अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन हमारा जीवन योगी जीवन नहीं बना है। तो वास्तव में स्वर्ग में जाने की तैयारी करना, माना ऐसा पुरुषार्थ करना जो हम कहें कि मेरा जीवन योगी जीवन है, क्योंकि योग से राजाई स्थापन होती है, ठीक है ना। तो योगी जीवन बनाने की तैयारी करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, वही स्वर्ग में जाने की तैयारी है। अब प्रश्न उठता है कैसे, कैसे? अब हम अगर स्वर्ग की बात करें तो स्वर्ग को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं सतयुग, ठीक है ना, सतयुग। अर्थात वहाँ सत्यता प्रधान है, वहाँ कोई भी झूठ नहीं बोलता है, कोई भी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है ना, छोटे बड़े सब कोई झूठ नहीं बोलता है, इसीलिए वो सतयुग कहलाता है। और उसको हम कहते हैं शांति और प्रेम का युग, ठीक है। अब हमें सतयुग में जाना है, माना स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी है, तो इसका योग से कैसे कनेक्शन है? तो हमको ये सोचना है कि योग माना बाबा से योग, बाबा से संबंध। और बाबा कौन है दुनिया में, भगवान के लिए क्या कहते हैं, गॉड इज
गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, परमात्मा गॉड इज लव, ऐसा भी लोग कहते हैं. परमात्मा और प्रेम जैसे कि ये सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं. परमात्मा और शांति ये पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि परमात्मा और शांति अलग नहीं है. ऐसा नहीं शिव बाबा को कहना पड़ता कि आज मैं थोड़ा सा शांत कम हूँ. वो उससे अलग नहीं है. तो अगर मेरा उसके साथ योग है तो उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये होगा कि उसके जो क्वालिटीज़ हैं, उसके जो गुण हैं, उन गुणों को हम अपने कर्मों में और अपने संबंधों में प्रयोग करते हैं. अगर मेरा उससे योग है तो. अगर योग नहीं है, अभी अभी हम योग लगा के उठेंगे और थोड़े ही समय के बाद गुस्सा कर लेंगे. अभी अभी हम योग लगा के उठेंगे और कोई हमारी सीट पर बैठ जाएगा तो थोड़ा सा उससे कोई नेगेटिव फीलिंग, कोई नफरत आ जाएगी, प्रेम खत्म हो जाएगा. तो ये योग का प्रूफ नहीं है. अगर मेरा उससे योग लगा है तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को हम अपने कर्मों में आने देते हैं, कॉन्शियसली उसका प्रयोग करते हैं. हम अपने को ये एम देते हैं कि मैंने आज बाबा से योग लगा रही हूँ या योग युक्त स्थिति में हूँ, तो मुझे जो कुछ भी करना है, जिससे भी संबंध में आना है, जिससे भी व्यवहार में आना है, तो शांति से आना है. कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, मुझे सत्यता, शांति और प्रेम को नहीं छोड़ना है. ये स्वर्ग में जाने की तैयारी है. ऐसा नहीं कि हमने 8 घंटे तो योग लगा लिया और बाकी के 16 घंटे हम कोई और स्थिति में हैं. क्योंकि योग का दूसरा अर्थ ये भी होता है, परमात्मा का संग. और हम लोग ये कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग. तो रंग जो है, उसकी क्वालिटीज़ का रंग हमारे ऊपर चढ़ता है, अगर हमारा योगी जीवन है तो. तो इसलिए पहली बात है कि हम बाबा के गुणों को, विशेष रूप से सत्यता, शांति, प्रेम और पवित्रता, इन गुणों को अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में और अपने संबंधों में, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आने दें उनको. हम चेक करें कि आपसे हम बातचीत कर रहे हैं तो इसमें मेरा सत्यता, सत्य स्वरूप काम कर रहा है. क्योंकि सतयुग में या स्वर्ग में जो आत्मा के सत्य गुण हैं, ओरिजिनल गुण हैं आत्मा के, वो बहुत इमर्ज रूप में उभरे हुए हैं. वहाँ हमको ये प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है कि मैं आत्मा हूँ, हम हैं ही आत्मा. टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.